द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाई मेकिंग ए पोलिटिकल स्टेटमेंट। तो हम ये सिविक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 है ये, ठीक है। तो इसमें चैप्टर 3 है, तो इसमें जो दोनों व्यक्तियों ने जो ओलंपिक के मेडल लेते समय वो जो भावना प्रकट की थी, तो उसको जो ओलंपिक एसोसिएशन है उन्होंने माना कि ये जो दोनों व्यक्ति थे इन्होंने ओलंपिक स्पिरिट जो होती है उसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर उसका उल्लंघन किया है। देयर मेडल्स वर टेकन बैक, उनके पदक उनसे वापस ले लिए गए। बैक होम दे वर सब्जेक्टेड टू ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, उनके घर आकर यानी अपने देश में आने के बाद उनकी काफ़ी आलोचना हुई। नॉर्मन टू सफर्ड फॉर हिज एक्शन एंड वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक। जो नॉर्मन था ऑस्ट्रेलिया का जो व्यक्ति था उसमें जो मेडल सिल्वर मेडल वाला, उसको भी ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक के लिए अगली बार उसको नहीं चुना गया। बाय देयर एक्शन सक्सीडेड फॉर गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द सिविल राइट मूवमेंट। तो पर इस एक्शन से क्या हुआ, इंटरनेशनल अटेंशन उनको मिल गई सिविल राइट्स की, मूवमेंट्स की। यूएस में रिसेंटली द सैन जोस प्रोनाउंस्ड सान होज स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विच दे वर फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑनर्ड देम एंड इंस्टॉल्ड देयर स्टैचू इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी ने उनका सम्मान किया है, उनके जो स्टैचू हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगाए हैं। तो व्हेन नॉर्मन डाइड इन 2006, जब नॉर्मन की 2006 में डेथ हुई, स्मिथ एंड कार्लोस वर पॉल बीरर्स एट दे हिज फनरल। तो उसके फनरल में वहाँ पर वो लोग भी शामिल हुए थे। सम इसकी बहस करते हैं हम। सम दलित ग्रुप्स डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द यूएन कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म इन डरबन इन 2001। तो कुछ जो दलित ग्रुप थे उन्होंने एक जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी यूनाइटेड नेशंस की, उसको डरबन में हो रही थी 2001 में, तो उसके अंदर उन्होंने भाग लेने का चाहा ताकि वो नस्लवाद के खिलाफ वहाँ पर काम कर सकें। डिमांडेड द इंक्लूजिंग ऑफ कास्ट इन द एजेंडा ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। हेयर आर 3 रिएक्शंस टू दिस मूव। तो वहाँ पर उसको उन्होंने जाति को शामिल करने के लिए डिमांड रखी, तो इसके 3 रिएक्शन जो हैं इस मूव के हमारे सामने आए। अमनदीप कौर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन टू बी इलीगल। तो हमारा जो संविधान है, अमनदीप कौर ने कहा है, जो सरकारी अफसर है उसने कहा है कि जो हमारा संविधान है उसने जाति के बारे में अगर भेदभाव किसी के साथ किया गया है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको गैर कानूनी मानता है। इफ सम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूज, अगर जाति के रूप में किसी के साथ कोई भेदभाव जारी रहता है, इट इज़ एन इंटरनल मैटर, ये हमारा अंदरूनी मामला है। आई एम अपोज टू दिस बींग रेज्ड इन एन इंटरनेशनल फोरम। तो मैं इस बात की विरोध करती हूँ कि इस लेवल यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे इस मुद्दे को उठाना गलत है। तो ओइनम ए सोशलिस्ट, आई एम अपोज टू दिस बिकॉज कास्ट एंड रेस आर नॉट सिमिलर डिविजन्स। तो मैं भी इस बात का विरोध करता हूँ कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है कि जाति और नस्ल जो होती है वो उसके सिमिलर डिविजन नहीं हैं। कास्ट इज ए सोशल डिवीजन, वो एक सामाजिक वर्गीकरण है, वाइल रेस इज ए बायोलॉजिकल वन। तो जो रेस है, जो नस्ल है, वो गोरे और काले की जो वो बायोलॉजिकल है। रेजिंग कास्ट इन दिस कॉन्फ्रेंस ऑन रेसिज्म वुड मीन इक्वेटिंग द टू। तो इसमें रेसिंग को उठाने का जो मुद्दा है इससे लगेगा कि दोनों बराबर हैं। अशोक ए दलित एक्टिविटीज, द आर्गूमेंट अबाउट इंटरनल मैटर इज़ ए वे ऑफ प्रिवेंटिंग ओपन डिस्कशन ऑफ ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें इस बात की बहस है कि इसको इंटरनल मैटर मान के इसके बारे में आर्गूमेंट जो दी गई है, दलील दी गई है, वो है कि जो डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा दूसरे लोगों को दबाना और वो जो उसकी
उसको जो ओपन डिबेट हो रही है उसको मना करने से है। रेस इज़ नॉट प्योरली बायोलॉजिकल, जो रेस होती है वह प्योरली बायोलॉजिकल नहीं होती, इट इज़ एज सच ए लीगल एंड सोशियोलॉजिकल कैटेगरी एज कास्ट। इसी तरह जाति भी अलग वो नहीं है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी रेज्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस, तो इस कॉन्फ्रेंस में कास्ट के बारे में जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसका मुद्दा उठाया जाना चाहिए। तो आपने इसके बारे में बताना है कि कौन सा इशू इसमें सही है। आई मेट दिस ग्रुप ऑफ गर्ल्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड फेल्ट दैट आई हैड मोर इन कॉमन विद देम दैट देन मैनी गर्ल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ माई ओन कंट्री। इज दिस एंटी नेशनल टू फील सो? तो कुछ लड़कियों के ग्रुप के साथ उन्होंने आपस में बात की तो उनको लगा कि जो इशू लड़कियों के हित में वहाँ पर उठाए जाते हैं वही हमारे देश में भी उठाए जाते हैं, तो आपस में सहमति है। ये है डिफरेंस सिमिलैरिटीज और डिविजन्स। इन द एथलीट्स इन द एग्जाम्पल अबव वर रिस्पॉन्डिंग टू सोशल डिविजन्स एंड सोशल इनइक्वालिटीज। जो एथलीट थे उसमें ओलंपिक में वो सामाजिक तौर पर लोगों के साथ भेदभाव की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि लोगों ने अब समाज को बांट दिया है और उनके साथ एक समान व्यवहार नहीं होता। बट डज दैट हैपन ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रेशियल डिवीजन? क्या ये सिर्फ जहाँ पर नस्ल के बारे में वर्गीकरण है, काले गोरे का भेद है, वहीं उन्हीं समाजों में ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है? इन द प्रीवियस टू चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी नोटेड सम अदर फोरम्स ऑफ सोशल डिवीजन। तो सामाजिक डिवीजन वर्गीकरण के हमने और भी फोरम पढ़े हैं पिछले चैप्टरों में। द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, उसमें बेल्जियम की और श्रीलंका की एग्जाम्पल है, जहाँ पर अलग भाषा बोलने वालों के साथ भेदभाव होता था या अलग धर्म को मानने वाले के साथ भेदभाव होता था। शो बोथ रीजनल एंड सोशल डिविजन्स इन द केस ऑफ बेल्जियम बी नोटेड दैट दी पीपल हु लिव इन डिफरेंट रीजन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। बेल्जियम के बारे में हमने पढ़ा है कि जो लोग अलग क्षेत्र में रहते थे वो अलग भाषा बोलते थे। इन श्रीलंका वी नोटेड लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस डिफरेंसेस, वहाँ पर भी भाषा और धर्म के हिसाब से भेदभाव होता है। द सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सोसाइटीज। तो जो सामाजिक वर्गीकरण है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप धारण करता है।